एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कोड शेयर करने वाली हूँ जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी वाली मैक का पैन केक कौन सा वाला ओरिजिनल है और कौन सा वाला फेक है। है तो ये कॉपी, लेकिन फिर भी इसमें भी दो तरह की पैनकेक्स आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मेरे पास दो पैनकेक हैं। एक पैनकेक जो है, दोनों के शेड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनके ऊपर लेबलिंग जो है वो सेम हुई है और इसके जो पैकेजिंग है वो भी सेम है। इनके अगर कलर की या शेड की बात की जाए तो एक जो है वो क्लियर 45 है और दूसरा रोज़ 36। दोनों मुझे लोकल मार्केट से 350 के मिले हैं। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा वाला ओरिजिनल है कौन सा फेक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लियर 45 की। इसका शेड थोड़ा सा लाइट है, ये एशियन स्किन टोन के मुताबिक है, और जो रोज 36 है ये थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है, लेकिन क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है इसको चिट्टे होने की ज़्यादा शौक रहता है, तो इसलिए जो है मैं ज़्यादातर मोस्टली जो है ये पाकिस्तान में क्लियर 45 जो है ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है हर स्किन टोन के लिए। अच्छा, अब हम इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। टेक्सचर जो इसका है वो थोड़ा सा, जो रोज़ 36 है इसका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई है, और अगर आप इसके ऊपर फिंगर से आप रब करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर हल्की सी जो आती है ऐसे, जैसे कोई ड्राई चीज़ होती है या पाउडरी फॉर्म में होती है, तो उस तरह का वो टेक्सचर आता है। नेक्स्ट जो है क्लियर 45, इसके ऊपर अगर मैं फिंगर को रब करूँ तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा सा जैसे मलाइम सा, जिस तरह का जो टेक्सचर होता है ना वो आ रहा होता है। अच्छा, अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वेट जो है ब्रश लिया है, जिससे हम पैनकेक जो है बेस जो अप्लाई करते हैं वो वाला मैंने ब्रश लिया, उसको हल्का सा मैंने गीला किया है और पानी के साथ ये जो है अच्छे से मैंने इसको जो है अब उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है ब्रश के ऊपर इस पैनकेक को। ओके, अब इसको हाथ के ऊपर अप्लाई करके आपके सामने इसका जो इसकी कवरेज है वो आपके सामने है। इसकी कितनी कवरेज देता है, ये थोड़ी सी मीडियम कवरेज देता है। अब जो है मैं सेकेंड जो है दूसरी इसको अच्छे से साफ़ करूँगी इसी वाले ब्रश को, और ब्रश को साफ़ करने के बाद जो क्लियर 45 है इसका हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। ओके, अब इसके जब ऊपर मैंने रब किया तो आपके सामने इसका टेक्सचर है कि किस तरह से इसने अच्छे से एक मुलायम सा, जो जिसे कहते हैं ना इजी से, इसके ऊपर जो इसकी कवरेज क्वांटिटी है वो आ गई है। और ओके, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रही हूँ अपने हाथ के ऊपर, दोनों की जो कवरेज है वो आपके सामने है। इसकी कवरेज थोड़ी सी थिक है क्लियर 45 की, जबकि रो 36 की कवरेज जो है वो बिल्कुल लाइट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है। जब आप इसको थोड़ा पानी भी लगाते हैं तो ये अच्छे से नहीं आ रहा होता ब्रश के ऊपर। इसके ऊपर मैंने पानी भी लगाया, लेकिन आप इसका जो है टेक्सचर वो देख सकते हैं, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जबकि क्लियर 45 जो है इसके ऊपर जो है हल्का सा क्रीमी सा शेड आ रहा, भी क्रीमी सी है, क्योंकि वो ऐसे नहीं लग रही कि इसके ऊपर पानी वगैरह हमने अप्लाई किया है, जो क्लियर ये वाली रो 36 है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा ऐसा कोड है जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इम्तियाज़ मुख्तार इसके पीछे लिखा हुआ है, जबकि जो रोज 36 है इसके पीछे कोई ऐसा कोड या कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब भी आप परचेज़ करें तो उसके पीछे आप ये देख लें कि इम्तियाज़ मुख्तार लिखा हुआ है या नहीं। और सेकेंड, जो ये वाली रोज 36 है ये फेक वाली है, इससे कोई किसी किस्म का जो अच्छा रिजल्ट हैं वो आपको नहीं मिलते बाज़ार से, ये कम से कम भी 200 तक जो है ना वो आपको दे देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो अफोर्डेबल हो, आपको लगाने में भी आसानी हो और आप उसको इस्तेमाल करके आपको दिली इत्मीनान हो। बाज़ूकात बहुत महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से भी ऐसे रिजल्ट नहीं आते। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।